आज के वीडियो में आपको जलालगढ़ के किले के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, जो बिहार के पूर्णिया जिला में स्थित है। पूर्णिया जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर के दूरी पर यह किला स्थित है। इस किला का निर्माण 1772 में सैफ खान नवाब के नाम के नवाब ने इस किला को बनवाया था। 300 साल इस ऐतिहासिक स्थल को नीतीश कुमार दोबारा विकसित करने की बात कर रहे हैं, ताकि बिहार में पर्यटन को एक बढ़ावा मिले। इस किले को देखेंगे, चारों ओर से ये चौखूट है। जिस गुंबद पे मैं भी खड़ा हूँ, इसी तरह के चार गुंबद हैं। इस गुंबद का आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। इसी टाइप के चार गुंबद चारों कोने पे हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं, ये पहले काफी ऊंचा हुआ करता था और ये एक सैलाबी क्षेत्र है। बाढ़ के टाइम में काफी पानी होता है, तो चूंकि इसके 300 साल इस किले का उम्र भी है, तो इसके वाल धीरे धीरे दबते गए और आपको अभी जो कि छोटा दिख रहा होगा, और कई जगह तो इसके वाल टूट भी गए हैं। इतिहास के पन्नों में ये चारों ओर से बंद हुआ करता था। चारों कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि गेट है, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस कॉर्नर पे भी यहाँ से गेट है। ये आर्मी की एक जगह हुआ करती थी उस समय, नेपाल के कुछ अटैक से बचने के लिए यहाँ पे आर्मी को रखा जाता था, जो चारों दिशाओं में यहाँ से निकलते थे। 1000 करता हूँ कि ये पूर्णिया बिहार के एक ब्लॉक है जिसका नाम जलालगढ़ है, इस किले का नाम जलालगढ़ किला है, ठीक है। और 1000 करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी चाहिए आपको, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे। मैं आपको कुल्हिया.com की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने इस वीडियो देखने के लिए समय दिया। धन्यवाद। एक बार और देख लें, मैं चारों तरफ कैमरे को घुमाता हूँ। अगर आपको कभी मौका मिले, एक बार इस ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए जरूर आएं। धन्यवाद।